नमस्कार किशन मित्र, आप सबको मेरे चैनल में वेलकम करता हूँ। खास मेरी एक सूचना है, जिसको ही इंटरेस्ट आए वो ही एक टीसीबीडी टेक्निक में इंटरेस्ट रखता है वही देखे। बाकी आपका समय बहुत कीमती है। जिसको इंटरेस्ट है और टीसीबीडी टेक्निक से खेती करना चाहता है वही मेरे चैनल पे ये वीडियो देखे, नहीं तो आपका टाइम जाया ना करे। और इस किसानों जो हम खेती करवा रहे हैं उनका अनुभव भी हम जानते रहेंगे। सिर्फ मैं आज ये खेत पे आया था और वीडियो बनाने का मन हुआ तो बना रहा हूँ, लेकिन ये सूचना खास दे रहा हूँ। जिसको टीसीबीटी टेक्निक में इंटरेस्ट है वही देखे, एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि समय इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। जिसको भी मन है कुछ करना चाहते वही वीडियो पूरा देखे। तो आइए हम देखते हैं फसल को। ये मेरे पीछे एक फसल है, हम देसी किस्म की है, उसको हम इंद्राणी बोलते हैं। ये पूरी फसल जैविक तरीके से टीसीबीटी टेक्निक से सिस्टमेटिक ऊर्जा जल बना के डाला था ताकि भूमि उपचार हो पाए। फिर जो भी सुडोमोनस जो भी है फंगिसाइड वो हमने डाला था। फिर उसके बाद सफ़ेद मिट्टी डाला है, पीली मिट्टी नहीं डाला है, क्योंकि उसमें हल्का सा पीली भी है और लाल भी है, तो दोनों डालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ सफ़ेद मिट्टी डाला गया है। फिर जीवाणु घोल डाला था, जब अणु और जीवाणु का मिक्स करके फिर सड्रस अभी छोड़ा गया है। ये है देसी किस्म की फसल। तो सिस्टमेटिक आप खेती करें, पहले भूमि उपचार करें, फिर अणु बना ले जो भस्म रसायन से बनता है वही, फिर जीवाणु घोल बना ले और जो गोवर्धन हद है, ये सब एक महीने के पहले कुछ करने के पहले आप रेडी रखें, ताकि आपको बार बार आवश्यक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट। और आगे वाली फसल में हम जाएंगे, यहाँ ब्लैक राइस किया है तो देखेंगे। ब्लैक राइस भी आसाम के ब्लैक राइस से ये बहुत ही अच्छे और पावरफुल रहते हैं। ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको प्रति केजी ऑनलाइन आपको 1000 के ऊपर पड़ता है, लेकिन पिछली बार हम 2-3 किसानों को करवाया था, वहीं से बीज लेके फिर वापस हमने करवाया। देखिए ये ब्लैक राइस है, उसकी कलियाँ सब आ गई है और बहुत ही अच्छा बना है। ऐसे हमारे काफ़ी किसान ने ब्लैक राइस इस बार किया है और काफ़ी ऑर्डर आने लगा है। हमने सब किसानों को कम रेट में दिया जा सके, एटलीस्ट हमने जब ये बीज लाए थे तो काफ़ी महंगा पड़ा था, लेकिन हम दूसरे को बीज के रूप में हम मिनिमम हमने 150 रुपया रखा है। कोई भी केजी एक ले के जा सकता है, मिनिमम 5 केजी के ऊपर हम नहीं देने वाले। तो इसका ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये ब्लैक राइस मिल सके और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। जिसको डायबिटीज़ बीपी का प्रॉब्लम है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसकी जानकारी चाहिए तो काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, तो वहाँ से देख ले। ये आसाम का ब्लैक राइस है। ये ऐसे तो ब्लैक राइस बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वाला है। उसके दाने भी बहुत लंबे बासमती की तरह रहते हैं। उस खाने में सुगंध इतनी अच्छी आती है कि आपको खा के ही मन प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि हम अभी यही खा रहे हैं और एनर्जी भी बहुत मेंटेन रहती है और खा के आपका मन तृप्त हो जाएगा ये ब्लैक राइस से। तो ये लगाया है हमने। फिर इधर कॉटन भी लगाया है। ये पूरा जे टीसीबीटी टेक्निक से हम कर रहे हैं, तो आने वाले वीडियो में सब डेमो भी दिखाएंगे, क्योंकि डेमो दिखाना भी ज़रूरी है किस तरह बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान सुनने से नहीं देखने से भी ज़्यादा सीख जाते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। फिर आगे हाँ, गन्ना भी है। गन्ना तो इतना बहुत बढ़िया बना है, गन्ने का एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि अभी फार्मर नहीं तो फार्मर भी साथ में होगा तो और आपको और मन में आत्मविश्वास जागेगा, यही मेरा कहना है। लेकिन आया था टाइम ना जाया करते हुए, काफ़ी किसान हमको पूछ रहे थे कि वीडियो है जो भी बना के डालो, तो हमने कोशिश किया है हमारी ओर से इन्फॉर्मेशन। और अच्छा लगे तो हमारा चैनल है, आपको बने रहे हमारे चैनल में। जैसे देखो पीछे गन्ना है और इतना हाइट है, इस एरिया में इतना दमदार है कि सब पूछने आते हैं कैसे किया इतना अच्छा। और सबसे पीछे गन्ने लगाए हैं, जिसने 2 महीने पहले लगाया उसके को भी ओवरटेक करके हाइट में बढ़ गया है और गन्ने भी बहुत बड़े हैं। तो हमारा इस पे प्रयोग है कि हमारे एरिया में 35 से 40-50 क्विंटल के ऊपर नहीं जाता है, तो हमारा प्रयास इसको 70 से 80 क्विंटल के ऊपर ले जाएंगे पूरा ट्रीटमेंट करते करते, क्योंकि इतना हाइट बढ़ रहा है तो हमें अंदाजा हो गया है कि
ऑन एन एवरेज इतनी हाइट होती है, उससे भी 2 फुट 3 फुट बढ़ गया तो हो जाएगा बहुत ही अच्छा, क्योंकि वजन बहुत वजन आ रहा है। धन्यवाद।